ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं अतो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आज 5 श्लोक हम और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो वन्मयात् जन्मादि इतरस्तस्य अर्थे स्वभिज्ञा स्वराट् ब्रह्महृदय आदि कवये। मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। यत्र सर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। इतने लोगों को याद हो गया श्लोक। कोशिश करिए इसको याद कोशिश करिए। ये भागवतम का पहला श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे याद हो गया है प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है माता जी, आपको बहुत नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक है, ये थोड़ा कठिन है इसको आप, लेकिन हमारे ये पहला स्कंद पूरे होने तक आप लोगों को पहला श्लोक तो याद हो जाएगा। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् ये तीसरा लाइन बिल्कुल सरल है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्यते अत्र तीसरा तो आपको याद होना चाहिए, निगम कल्प तरोर गलितम फलम
निगम कल्पतरूपलम् फलम् चुकमुखाद् अमृतदाव संयुक्तम् संयुतम् पिबद् भागवतम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका विभावका हाँ हे जनो इस भागवत का रस को चखो ये मतलब एते चांस कला पुंसः कृष्णा तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे ये तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है 29वां भी पढ़ रहा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर गणन भक्त्या ग्रामाद् विमुच्यते स्वागत है आठवें चैप्टर में आज कृष्ण प्रभु जी ये महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। एक कुंती प्रेयर्स करके आता है, कुंती की प्रार्थना करके एक किताब भी मिलती है इस्कॉन में। कुंती के वो बहुत अच्छी मानी जाती है, प्रेयर्स ऑफ कुंती। भगवान को कुंती भुआ थी, भगवान की भुआ थी। यहाँ तो भुआ इसलिए थी क्योंकि वो वासुदेव की सिस्टर थी, इसलिए भुआ थी। वासुदेव भगवान के सो कॉल्ड पिताजी थे, पिताजी भगवान के कोई होते नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ आए थे तो उनके इस वजह से रिश्ते बन गए, क्योंकि देवकी और वसुदेव को अपने उन्होंने माँ बाप माना, तो उनके रिश्ते इसलिए बन गए, इसलिए कुंती बुआ हो गई। कुंती एक महान नारी थी और इसलिए कुंती के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। महान नारी थी कुंती, और उसने भगवान को प्रार्थना किया कि आप मुझे सुख मत दीजिए, क्योंकि सुख में मैं कभी कभी आपको भूल जाती हूँ। मुझे जब मैं दुख में रही हूँ, काफी कुंती बहुत दुख में रही और हमेशा भगवान को याद करती थी, तो उसने भगवान को कहा कि मैं आपको, अगर मुझे आप दुख में रखोगे तो मैं आपको हमेशा याद करूंगी, क्योंकि मुझे आपको याद करने से मुझे चैन मिलता है दुख में भी। ये क्या कहलाता है, ये दुख में आप भगवान को याद करते हो, आपका दुख है? नहीं, आध्यात्मिक सुख है, भौतिक दुख है, आध्यात्मिक सुख है। और चाहिए क्या हमको आध्यात्मिक? जो सूता वाचा अथ ते संपरे तानाम स्वानाम उदकम इच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्या ययु श्रियः। सूता वाचा अथ ते संपरे तानाम स्वानाम उदकम इच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत ययु स्त्रियः। मेरे साथ पढ़िए, सूता वाचा अते संपरेतानाम स्वानाम उदकम इच्छताम धातुम सकृष्ण गंगायाम धातुम सकृष्ण गंगायाम शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत ने कहा अत इस प्रकार ते पांडव जन संपरेताना मृतकों का स्वाना स्वजनों का उदकम जल इच्छताम पानी की इच्छा से
धातुम देने के लिए सकृष्णा सकृष्णा द्रौपदी सहित गंगायाम गंगा के तट पर पुरस्कृत आगे करके ययुहु गई स्त्रिय स्त्रियां। सूत गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी मेरे साथ। सूत गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा के इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। भगवान कृष्ण भी शांत थे क्योंकि धन्यवाद माता जी। ते निनियो दकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आपता हरिपादाब्ज रजपूत सरिज्जले। ते निनियो दकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आपता हरिपादाब्ज रजह पूत सरिज्जले। मेरे साथ पढ़िए। ते निनियो दकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजह पूत सरिज्जले। शब्दार्थ है ते वे सब निनीय अर्पित करके उदकम जल सर्वे सभी विलप्य विलाप करके च तथा प्रसम पर्याप्त पुनः फिर आपृता स्नान किया हरिपादाब्ज भगवान के चरण कमल की रजह धूलि से पोत पवित्र सरित गंगा नदी के जले जल में। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूल मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। गंगा का जल इसलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि भगवान के चरण कमलों से छूते हुए आती। इसलिए मेरे साथ पढ़िए। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूल मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तीसरा श्लोक है तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णा च माधवः। तत्रासीनं कुरुपतिं
धृतराष्ट्रं सहानुजं गंगा गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। मेरे साथ पढ़िए। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। शब्दार्थ तत्र वहां आसीनं बैठे हुए कुरुपतिं कुरु के राजा धृतराष्ट्रं धृतराष्ट्र को सह अनुजम अपने भाइयों सहित गांधारी गांधारी को पुत्र बेटे के शोक अर्ताव शोक अर्ताम शोक से पीड़ित प्रथम कुंती को कृष्णा द्रौपदी को च भी माधव भगवान कृष्ण ने वही पूर्व वंशी के राजा महाराजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र गांधारी कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। अब घर पहुंच गए ना, वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे, भगवान कृष्ण इसके इनके साथ थे। तात्पर्य माता जी। शारदा माता जी, शारदा माता जी। तत्परी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतः इसमें जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गंधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतः पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतः भगवान की उस सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उन सबों को संतावना देने लगे। हरे कृष्ण। सांत्वना देने, सांत्वना देने लगे। ये भगवान, क्योंकि इसमें जब ये सबसे ज्यादा जो शोकमय धृतराष्ट्र और गांधारी थी, धृतराष्ट्र ने तो पता लग गया था उसको पहले, क्योंकि संजय बता चुके थे क्या होने वाला, लेकिन गांधारी को वो भी एक बहुत महान नारी थी गांधारी। गांधारी और ये बहुत, क्योंकि सब सब सारे के सारे उनके बेटे खत्म हो गए, तो इस वजह से बहुत शोकफुल थे। तो भगवान कृष्ण साथ में थे, उन्होंने सबको सांत्वना दी। तो भगवान तो गजब कर देते हैं, जब कोशिश किया युद्ध न हो और अड़ गए कौरव, दुर्योधन पर्टिकुलरली अड़ गए, लड़ नहीं, हमको लड़ाई करनी। भगवान को पता था ये नहीं मानेंगे, जब दूत भेजा नहीं माने, भगवान फिर खुद गए, तुम ऐसा करो, दुर्योधन को बोला उसको पांच भाइयों को पांच गांव दे दो, बस इससे छोटी चीज क्या मांग सकता कोई। राजाओं को, राजा थे, उनका हक है। और कहा भगवान ने, उसने कहा नहीं, कुछ एक इंच कुछ नहीं दूंगा, युद्ध अगर लेना है युद्ध करके जीते, तो इतने वो थे। तो भगवान ने सोचा अब ये इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तो यही नहीं, बहुत सारे और भी राजा थे तो बहुत गड़बड़ कर रहे थे, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो युद्ध में सब मारे गए, उनको तो पता था, तो वो भगवान भी हैं, उनको पता है, वो आपको सांत्वना देने में सबसे अच्छे, उनका किसी से कोई ऐसा ये नहीं है कि इसकी तरफ है इसकी तरफ। पांडवों की तरफ लगते हैं आपको भगवान, इसलिए पांडव भगवान के भक्त थे। भगवत गीता में हमने पढ़ा है, भगवान ने कहा मैं बिल्कुल कोई पक्ष किसी की तरफ नहीं लेता हूँ, हाँ जो मेरा भक्त मेरी भक्ति में लगा रहता है
उसके तरफ मेरा शौक बना रहता है स्वाभाविक। ये भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ सांत्वना दे स्वांतयामास मुनि भेद हत बंधुन सुचार पिता भूते सुकालस्य गतिम दर्शयन प्रतिक्रिया सांत्वयामास पुनर्भिर हत बंधुन सुचार पितान भूते सुकालस्य गतिम दर्शयन प्रतिक्रिया। मेरे साथ पढ़िए सांत्वयामास मुनिभिर सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधुन सुचार पितान भूते सुकाले कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम सांत्वयामास मुनिभिर सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधुन सुचार पितान भूते सुकालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम एक्चुअली दर्शयन् न प्रतिक्रियाम है क्योंकि नौ दो बार है दर्शयन् न प्रतिक्रियाम शब्दार्थ सांत्वयाम आस ढाढ़स बधाया सांत्वना दी मुनि भी वहां पर उपस्थित मुनियों समेत हत बंधुन जिनके मित्र तथा संबंधी मारे गए थे सुचार पितान सभी को धक्का पहुंचा हुआ भूतेषु जीवों पर कालस्य सर्वशक्तिमान के परम नियम की गतिम प्रतिक्रिया दर्शयन दिखलाया न नहीं प्रतिक्रिया प्रतिक्रियायाम उपचार। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्थ जनों को ढाढ़स बधाया। मेरे साथ पढ़िए सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने जनों को ढाढ़स बधाया ये देते है ना कि ये भगवान के कठोर नियम है कि जिसका जब काल समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता और मनुष्य तो ऐसे जगह पर हेल्पलेस हो जाता है जो कुछ कुछ करने के हालत में नहीं होता नहीं तो अपने परिवार जनों को कौन खोना चाहता है एक एक करके सब चले जाते हैं आप रोक नहीं सकते हैं प्रकृति का नियम है मृत्यु सत्य है अवश्य आएगी कब आएगी ये कोई नहीं जानता लेकिन ये सत्य है ये उदाहरण देते हुए दृष्टांत देते हुए कि उनकी प्रतिक्रिया ऐसा होता है उसके साथ ये हुआ उसके साथ ये हुआ और क्योंकि वो अब चला गया जाने वाला इसलिए आपको जिंदगी आगे बढ़ानी है इसलिए अपने पर हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए यही कहते हैं ना क्योंकि हिम्मत तो रखनी है हम अगर जीना है उनके बगैर अब तो जो चले गए अब ये माँ बाप के लिए सब ये सबसे बड़ा दुख होता है जो धृष्टास और गंधारी को जो दुख मिला असह्य दुख है एक भी पुत्र नहीं बचा सबके सब मारे गए यहाँ तक कि गंधारी का भाई भी मारा गया
वहां के और लोग भी मारे गए, उनकी सेनाएं सब पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो उनको दुख स्वाभाविक है और दुख बहुत ज्यादा है, और ये भगवान ने समझाया होगा अपने तरीके से। भगवान ने उनको के सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों का उदाहरण देते हुए और उनके जीवों पर कैसे प्रतिक्रिया होती है, भगवान जब चाहते हैं जिसको उठा लेते हैं, ये है कोई नहीं रोक सकता करके ऐसे कहते हैं। और जो चला गया वो तो गया, अब वापस नहीं आ सकता, इसलिए आप हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ऐसा यूजुअली कहते हैं। भगवान ने और अच्छे शब्दों में कहा होगा, तात्पर्य माता जी। रीता कतुरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीला तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता, भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं, ना ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छदम स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छदम स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वो मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं, और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे, और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान ने ये बड़ा अच्छा लिखा है, ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार पर हम एक्चुअली जो हमारा ये सब शोक का कारण क्या है, हम हर चीज को यहाँ स्थाई समझ बैठते हैं। यहाँ स्थाई कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप याद करिए अपने माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, अपने दादा दादी। तो अक्सर हम लोग भाग्यशाली हैं तो देख पाते हैं, कभी उनके भी तो दादा दादी होंगे, कोई रहे नहीं, उनके माँ बाप रहे नहीं, हमारे दादा दादी रहे नहीं, हमारे माँ बाप रहेंगे नहीं, हम रहेंगे नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत क्षणिक है। ये क्षणिक का मतलब कुछ टाइम रहता है, परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है। स्थाई एक ही चीज है, आध्यात्मिक जगत, वो स्थाई है।
वहां कुछ नहीं होता, यहाँ ये हम तो मरेंगे ही, ये भौतिक जगत भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ ये गया गर्भोदक्षय विष्णु, करोड़ों साल तक अरबों साल तक बंद, सिर्फ अंधकार ही अंधकार। उसके बाद ब्रह्मा जी उठते हैं, भगवान कहते हैं जा सृष्टि कर, ऐसे सृष्टि होती है। तो ये तो ऐसा होता रहता। फिर मनवंतर, जब मनु का टाइम पूरा होता है तब प्रलय होता है, और उसके बाद जब आप देखते हैं कि ये जो युग है हमारा, ये चार युग हैं, ये जब परिवर्तन होता है तब प्रलय होता है। तो ये स्थाई है ही नहीं। हम सोचते हैं ये, अरे ये मेरी जमीन, मेरा घर, और ये ठीक है, हमको जब इस भौतिक जगत में रहना है, ये सब कुछ चाहिए हमको, घर भी चाहिए रहने के लिए, बहुत जरूरी है, और हमको आमदनी का साधन भी चाहिए। तो ये आप करते हैं, आप पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, धन अर्जित करते हैं, और लेकिन दिमाग में ये रखते हैं ये मेरा परमानेंट नहीं है। ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये देखो सबसे नजदीक आपके कौन है, आपके माँ बाप, वही आपके नहीं है, वो तो इस जन्म में, ये जो इस जन्म में हम पैदा हुए वो हमारे माँ बाप पिछले जन्म में नहीं थे, अगले में भी नहीं होंगे, ये पक्का है। ऐसा जब आप ये समझने लगते हो तो ऐसा नहीं है माँ बाप, क्योंकि आपके इस धरती पर आपके माँ बाप सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि वो आपको लेके आए, लेके तो वो किया तो भगवान की वजह से, आपने उनके गर्भ में, अपने माँ के गर्भ में भगवान की वजह से आए हमको, वो उचित, क्योंकि हमारे कर्म सब चीज की वजह से मिलते हैं, माँ बाप भी आपके कर्म के हिसाब से मिलते हैं। किसी को बहुत अच्छे माँ बाप मिलते हैं, किसी को थोड़ा कम अच्छे मिलते हैं, किसी को बिल्कुल कम अच्छे मिलते हैं, ऐसा होता है, कर्म के हिसाब से है। और ये मिले, उन्होंने आपको इस मनुष्य रूप में आने में मदद किया, क्योंकि आप उनके थ्रू आए, इसलिए वो आपके सबसे पूजनीय आपके वो होते हैं। फिर वो आपको ज्ञान देते हैं कि बेटा हमको भी ये लाए हैं भगवान। फिर आप पढ़ते हैं भगवद गीता, समझते हैं, तब आपको समझ आता है ये तो लीला सब भगवान की है, ये घुमा रहे हैं हमको, ये समझ आने लगता है। तो आप मानते हैं असली माँ बाप तो भगवान है हमारे, ये है। तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा प्यार उनको करना चाहिए। अब अभी भी आप नहीं समझ पाते ये चीज। एक बड़ा अच्छा आया था हमारे भगवद गीता में, भागवतम में, एक जगह प्रभुपाद ने लिखा था, जब जवान स्त्री, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे को ही के बारे में ही सोचते रहते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती, एक दूसरे के बारे में हर समय वही सोचते हैं, है ना। ये क्या है, ये है भौतिक प्रेम है, ये एक्चुअली असली प्रेम तो नहीं है, ये भौतिक प्रेम है। आकर्षण जो भौतिक जगत में होता है, बहुत कम जगह पर वो वास्तव में प्रेम होता है। प्रेम भौतिक जगत का खाली माँ करती है बस, इसलिए माँ इतनी महान होती है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बिना किसी रिटर्न नहीं चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है, बड़े होने के बाद कुछ माँ रिटर्न भी चाहती हैं, कुछ नहीं चाहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो माँ का प्यार बच्चे के लिए होता है उसको प्रेम कहते हैं। ऐसा ही अगर नर नारी में, पुरुष स्त्री में ऐसा प्रेम हो कि रिटर्न नहीं चाहिए, वो उसको प्रेम कहते हैं। और जब शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की जिनकी मैं बात कर रहा था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद लड़ना भी शुरू कर देते हैं, है ना, कि अपना आधिपत्य जमाने का, ये क्योंकि ये हमारे में एक दोष होता है, हम इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो वही वो भी आधिपत्य जमाना चाहती है पति पर,
पति पत्नी पर जमाना चाहता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। कहां प्रेम, कहां का क्या। इससे मैंने कहा प्रेम में ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम था गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए, उसको प्रेम कहते हैं कि उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर। वो हमको खुश रखा नहीं, वो तो ध्यान भी नहीं था। उनको ऐसा करें कि आज कृष्ण ऐसे खुश हो जाएं, कैसे। यहां तक कि वो राधा रानी को मदद करते थे, राधा रानी का श्रृंगार करते थे गोपियां, इतना ताकि वो भगवान कृष्ण आकर्षित हो जाए उनकी तरफ। ये प्रेम है, ईर्ष्या नहीं। ये हमारे भौतिक जगत में तो अच्छा, राधा रानी की तरफ ज्यादा है, हमारे तरफ नहीं, तो ईर्ष्या हो जाती है ना भौतिक जगत। वहां नहीं, वो आध्यात्मिक प्रेम, वो प्रेम होता है। ये तो ये जब ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अगर हमने आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमने ये समझना पड़ेगा, ये भौतिक जगत क्षणिक है, हमारा रिश्ता जितने भी हैं ये सब क्षणिक है, भौतिक जगत तक रहने से हैं, लेकिन इनसे ज्यादा हमारा संबंध किससे है, भगवान से, क्योंकि वो स्थाई है। हमारे भगवान के हम मानते हैं, आपके माँ बाप भी मानते हैं, उनके माँ बाप भी मानते थे, उनके माँ बाप भी सिरे आगे जाओ ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी भगवान को मानते, हम तो ब्रह्मा जी के संतान, ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं और भगवान हमारे प्रपितामह हैं। तो इसलिए उनको नहीं भूलना, क्योंकि वो रिलेशन आपका, वो संबंध स्थाई। ये इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ भौतिक संबंध आप खत्म ही कर दो, नहीं, भौतिक जगत में रहते हैं हम, ये कैसे माने कि वो मेरी बुआ नहीं है, है बुआ है, मेरा सम्मान करना फर्ज है, बुआ तकलीफ में है मुझे मदद करना चाहिए, ये मेरा फर्ज है। लेकिन ये मुझे ये भी याद रखना चाहिए, मेरा सबसे परमानेंट रिलेशन भगवान के साथ है, ये भगवान ने ये जो संबंध मेरे हैं ये बनवाए हैं मुझे इस भौतिक जगत में डालने की वजह से। तो अब बुआ मिलती है तो बुआ का पैर छुएं, बुआ को जो उनको पसंद है वो गिफ्ट दें और कहें बुआ हरे कृष्णा महामंत्र जप। ये कर्तव्य है, बुआ एक बार जप दे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, अब बुआ कहेगी हाँ आया था, वो कहता है महामंत्र जप जप रही हूँ तब से एक पाला, ये ऐसा, ये प्रभाव आपका, ये कर्तव्य है इस भौतिक जगत में आने से। साधयित्वा अजात शत्रो स्वं राज्यं कृतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। साधयित्वा अजात शत्रो स्वं राज्यं कृतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। मेरे साथ पढ़िए, साधयित्वा अजात शत्रो, त्वं राज्यं कृतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। शब्दार्थ, साधयित्वा उत्पन्न करके, अजात शत्रु, अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो, जिसके कोई शत्रु न हो उसका अजात शत्रु, स्वम राज्यम अपना राज्य, कितवय धूर्तों के द्वारा, दुर्योधन तथा उसका दल धूर्त थे ना, हो हृतम छीना गए, घातयित्वा वध कराकर, असतः दुष्ट राज्ञः रानी के कच केशों का गुच्छा, स्पर्श छूने से क्षत घटी हुई आयुषः आयु द्वारा। भगवान ऐसे ऐसे करते हैं भगवान, देखे भवार्थ पढ़ता हूं, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके,
अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया। अजात शत्रु कहते दुर्योधन का कोई दुश्मन नहीं था, बहुत सात्विकी पुरुष थे युधिष्ठिर, राज्य छीन लिया था भगवत कृपा से। अब भगवान को लगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये तो भगवान ने सोचा ये बहुत सारे हैं, पृथ्वी का भार भी कम हो जाएगा। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। देखिए, अगर किसी स्त्री से दुर्व्यवहार हम करेंगे तो ये हो सकता है हमारे साथ। तो स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए और ये ध्यान रखना है, अगर हमारा दुर्व्यवहार हुआ, व्यवहार आपका हो सकता है कभी वो गलत हो सकती कभी, लेकिन अगर हम गलत हुए, हमने किसी औरत का अपमान किया, हमारी आयु कम हो सकती है, भगवान भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए, धूर्त दुर्योधन उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए कि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ये आपको लगा के भगवान ने कहते ना रोका क्यों नहीं, भगवान दंड दिया उनको, दंड दिया और ये होना था, ऐसा लीला है उनकी, तात्पर्य। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण गाय स्त्री बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाले दूध मिलता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है जिससे हमें शांति सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उनके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ से जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता से बिल्कुल विपरीत है। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन्हीं जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है जिन्हें वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है श्री भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये चीजें बड़ी अच्छी लिखी हैं। पहला, ब्राह्मणों की रक्षा, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए
ब्राह्मण बहुत जरूरी है, कि वो हमारा जो जो ज्ञान है ब्राह्मण से मिलता है। ये ब्राह्मण कौन से हैं? ये कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण है सतोगुणी, सतोगुणी जो आपको वैदिक ग्रंथों का ज्ञान दे सकता है। आपको भगवत गीता के बारे में, गीता के बारे में पता नहीं है, ब्राह्मण आपको बता सकता है, उसको ज्ञान है उसके बारे में, उसने पढ़ा है, सतोगुणी। और उससे भी अच्छा है हमारा वैष्णव, वैष्णव सतोगुण से भी ऊपर होता है। तो वैष्णव अगर मिल जाए तो आपका और सौभाग्य, वैष्णव से आपको ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमको ग्रंथों का ज्ञान है, तो वैष्णव और भी अच्छा दे सकता है, क्योंकि उसका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता, मतलब किसी चीज से वो अटैच नहीं होता है। ब्राह्मण होता है किससे? सतोगुण से, सतोगुण से बधा रहता ब्राह्मण, और वैष्णव बधा नहीं होता कभी। दूसरा बताया गायों की रक्षा करने से चमत्कारी भोजन हमको मिलता है, और उससे मस्तिष्क के दिमाग के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। ये देखिए, जो दूध गाय का दूध है, जो हमारे मेमोरी एलिमेंट्स हैं दिमाग के, जो सूक्ष्म तंतु हैं स्मृति वाले, उनको बनाए रखता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है दूध जो है, गाय का दूध, ये इससे उनकी रक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गाय को हम माँ की तरह मानते हैं। हमारी सात माताएं होती हैं, सात माताएं, उनमें से एक गाय। सात माताएं आपकी कौन कौन है आपको याद होना चाहिए। एक आपकी अपनी माँ है, आपकी दाई माँ है, ये गाय है, चौथा धरती है, और आपके ब्राह्मण की पत्नी है, राजा की पत्नी है। ये हमारे सात माताएं होती हैं, और इसमें गाय भी हमारी एक माता है, माता के रूप में, क्योंकि उससे मिला दूध से हम पलते हैं। तीसरा, स्त्री को रक्षा से समाज में शुचिता बनी रहती है, बहुत ही जरूरी है। स्त्रियां इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो हमको जन्म देती है, और हम अच्छी संतान, हम अच्छे बने, इसलिए उनकी, उनमें शांति हो, उनमें स्थिरता हो, स्थिरता हो औरतों में, तो संतानें अच्छी उत्पन्न होती है, अच्छी संतान उत्पन्न करेंगी। लेकिन अगर आपने अपमान किया उसका, अगर वो उल्टा हो गई, जैसे लिखा है नीचे, उल्टा हो गई उसने अगर तो स्त्री क्या कर सकती है? वो आपको वर्ण संकर भी दे सकती है, अवांछित संतानें पैदा कर सकती है, कि किसी से भी अपने परिवार को छोड़ करके किसी से भी अपना गर्भ धारण करके बच्चे पैदा, जो जिनको कहते हैं अवांछित वर्ण संकर, ये भी कर सकते हैं। इसलिए उनका, उनकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। उनकी सुरक्षा ही नहीं, उनको शांति और स्थिरता बनी रहे उनकी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रक्षा, मनुष्य के जीवन का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उनका जीवन शुरू है, अभी शुरू हो रहा है, और जो उनका टाइम है बहुत लंबा है, हमारा टाइम बहुत कम है, उनका टाइम सबसे ज्यादा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो अच्छे बने, इसलिए जब माँ गर्भवती होती है तब गर्भाधान संस्कार किया जाता है, ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार आ, फिर पैदा होता है, फिर संस्कार होते हैं, फिर अन्नप्राशन होता है, फिर संस्कार होते हैं, तो उसका फिर संस्कार होते, फिर उपनयन संस्कार होता है, तो उसमें अच्छे संस्कार बच्चे में आते हैं, और आपका समाज में एक अच्छा नागरिक आपको मिलता है। वृद्धों की रक्षा से क्या फायदा है? उनको भगवत धाम जाने की तैयारी करने का और मौका मिलता है। इतने देर में हमको भगवान का ज्ञान मिल रहा है, अब भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि हम भौतिक जगत से अपने को डिटैच कर सकें, विरक्त कर सकें, और भगवान की भक्ति में लग सकें, उसके लिए तैयारी चाहिए। क्यों? ये ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप भौतिक जगत से अपने को विरक्त रखिए, ये ऐसा कोई स्विच नहीं है जो ऑफ करते हैं आप,
आपके संबंध ऑफ हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतने उनसे चिपके हुए हैं। ये माया है, माया से पृथक करने में समय लगता है। आपको ज्ञान भी मिल गया, आप भक्ति भी कर रहे हैं, समय लगता है। इसलिए वृद्धों को समय, उनको उनकी उम्र बढ़े तो उनको भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करने के लिए समय मिल जाता है। ये चीजें इसमें समझाई हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सर्वशून्यवादी पाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।